चीना प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ उद्घाटन मैच रांची रॉयल्स ने 6 विकेट से जीता। क्रिकेट सभी को अनुशासन और एकता का पाठ पढ़ाता है, जिप उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी। क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ रविवार को चतरा शहर के चीना मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी ने बैटिंग कर किया। उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, साथ ही परिचय प्राप्त किया। राष्ट्रगान जनगण मन से मैच का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच इंडियन नाइट राइडर्स बनाम रांची रॉयल्स टीम के बीच खेला गया। रांची रॉयल्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया। इंडियन नाइट राइडर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 180 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी रांची रॉयल्स की टीम ने 11 ओवर 4 बॉल में 6 विकेट से मैच जीत लिया। इस मैच में रांची रॉयल्स टीम के सदान उर्फ धोनी को मैन ऑफ द मैच मिला। उसने 34 बॉल में 98 रन बनाए थे। दूसरा मुकाबला चतरा सुपर किंग बनाम भारत फाइटर्स के बीच हुआ। चतरा सुपर किंग पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 177 रन बनाया। जवाबी पारी खेलने उतरी भारत फाइटर्स टीम ने 12 ओवर 135 रन ही बना पाए। इस तरह चतरा सुपर किंग टीम 42 रनों से यह मैच जीत लिया। इस मैच में चतरा सुपर किंग के खिलाड़ी आनंद कुमार को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री तिवारी ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के हमेशा खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। क्रिकेट खेल आज हमारे देश का लोकप्रिय खेल हो गया है। क्रिकेट सभी को अनुशासन और एकता का पाठ पढ़ाता है। खेल को खेल की भावना से खेलने की बात कही उन्होंने। कहा कि खेल से जातिवाद की भावना खत्म होती है और टीम भावना विकसित होती है। क्रिकेट खेल में हमेशा संघर्ष करने की सीख मिलती है। खेल से ना सिर्फ शारीरिक बल्कि बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए उपायुक्त से मिलकर बात रखूंगा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 1 जनवरी 2023 को होगा। टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया है। सभी टीमों के फ्रेंचाइजी अलग अलग हैं। स्कोरिंग की भूमिका मोहम्मद शाहनवाज व अंपायर की भूमिका प्रेम राणा व छोटन खान ने निभाई। टूर्नामेंट का आयोजन आज़ाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया गया। मौके पर हाजी साबिर हुसैन, पत्रकार मोहम्मद नौशाद, फजलुर रहमान, मोहम्मद जलाउद्दीन, बाबू खान, एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शौराफ, सचिव इकबाल काशिम, उपाध्यक्ष आसिफ सैफ, मोहम्मद काशिफ, जावेद जाफरी, मोहम्मद अली, मोहम्मद अलीम, नीलेश कांसिना, परवेज अख्तर समेत काफ़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। बहुत खुशी की बात है। सामने में हट जाए जो कि फील्डिंग सजा दिया गया है और चीफ गेस्ट हमारे सामने हैं। और आप बरसों से चीना का इतिहास रहा है। चीना में हमेशा आपका ये इम्तिहान है, एक अपना अलग स्तर खेल में प्रतियोगिता सबसे पहले जाना जाता है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा जरूरत है ध्यान देने का। आप मेहरबानी खेल देखिए, हम लोग सजा देते हैं, हम लोग पुराना चेहरा है क्योंकि पूरे शहर खेल को देखिए कोई ग्राउंड बनू होना है। आप उधर देखिए एकमात्र मैदान देखें जहाँ पर किसी भी प्रतियोगिता किया जा सके। आपके पास प्लेयर तब से आयोजन बड़ा जोर शोर से किया जाता है और ये अच्छी शुरुआत है सीपीएल के नाम से, चीना प्रीमियर लीग के नाम से राजनीतिक कारों से, जो बड़े बड़े नेता है उनसे, समाज सेवी संस्थानों से एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि आप लोग एक नज़र इस चीना मैदान पर भी दें, इसके सुंदरीकरण के बारे में ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में जो भविष्य में जो आने वाले बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा का जौहर मैदान पर। देखिए ये आज हम पहली बार चीना मैदान आए हैं और चूँकि ये ऐतिहासिक मैदान भी रहा है, चतरा के काफ़ी लोग यहाँ पे क्रिकेट खेले हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मुझे आने का यहाँ पे अवसर मिला। और यहाँ आके कुछ हम लोग चतरा में विसंगति भी है जिसको हम लोग झेलते भी रहते हैं। हमारे यहाँ पे प्रमोद चंद भी हैं, साबिर चाह हैं, नौशाद भी हैं और सारे लोग। कई बार हम लोग को सामाजिक सरोकार से बहुत जूझना पड़ता है, लेकिन आज ये मैदान इस खेल के माध्यम से ये चतरा को बताने का प्रयास किया है कि खेल के प्रति ही सच्चा प्यार है चतरा का, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं है। और ये यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम चतरा के आदरणीय उपायुक्त महोदय से मुलाकात करके खुद से बात करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि जो भी होगा न्याय संगत, नियम संगत जो भी इस मैदान के लिए बनेगा, हम उनसे आग्रह करेंगे। और हमें विश्वास है कि
उपायुक्त महोदय इसका सुंदरीकरण करेंगे। हमने पहले भी कहा ना कि यहाँ पे इस मैदान में आके मुझे सामाजिक समरसता का जो भाव दिखा, हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो बरकरार रहे और अच्छे समाज का हम निर्माण करें, चतरा का एक अलग पहचान हो, ऐसा हम सभी युवा साथी से चाहते हैं।